अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फिर से स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउस बॉय के बारे में। हाउस बॉय क्या होता है, हाउस बॉय का काम क्या होता है, और हाउस बॉय का वीजा कैसे मिलता है, और हाउस बॉय की सैलरी कितनी होती है, तो सारी डिटेल्स मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो में आखिरी तक बने रहें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं आज जो है 500 सब्सक्राइबर मेरे पूरे होंगे। अगर गाइस आप लोग ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे तो शायद मेरा 1000 भी पूरा हो जाए, ठीक है। तो गाइस, और जो है कि बहुत सारे लोग मेरे भाई कमेंट कर रहे हैं, तो भाई आप लोग जो कमेंट कर रहे हो ठीक है, अब मेरे वीडियो बनाने का मकसद कुछ गलत नहीं है, आप लोग देख सकते हो गाइस, ठीक है। जो भी और जो थंबनेल में जो लिखा रहता है आप उसको सही से देखिए, मैं कोई गलत चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, ना कोई गलत वीडियो में बता रहा हूँ। बहुत सारे भाई लोग कह रहे हैं कि आपको ही दिक्कत है गाइस, यहाँ पे मालूम है क्या, सब एक जैसा नहीं। अगर आपका ठीक है तो और कोई का ठीक नहीं है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। और मैं सिर्फ नेगेटिव बातें नहीं बताता यार, मैं अच्छी चीज़ें भी बताता हूँ, दोनों चीज़ें बताता हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि हाउस बॉय का जो है काम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाउस बॉय का काम क्या होता है। तो गाइस, हाउस बॉय उसे कहते हैं जो भी, ये भी दो है, खादिम का ही वीजा होता है, जो घर के अंदर काम करते हैं इसको हाउस बॉय कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए उसका काम रहता है हाउस बॉय का, अगर आप हाउस बॉय में आ रहे हो तो आपका जो काम क्या क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो हाउस बॉय का जैसे कि मान लीजिए कि घर में गार्डन रहता है, ठीक है, घर के बाहर जो गार्डन रहता है, जितना भी बड़ा गार्डन हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जितना भी बड़ा गार्डन है वो गार्डन की पूरी साफ सफाई, और जितना उस गार्डन में पेड़ है, जो भी फूल है, पत्ती है, जो भी लगाए हैं, उसमें पानी डालना डेली बाय डेली, उसको क्लीन करना, और जो है उसमें जो बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगाए जाते हैं उसको जो कटिंग करना, ये सारा काम जो है हाउस बॉय का करना रहता है, ठीक है। ये तो गार्डन का काम हो गया। दूसरा काम ये रहता है कि जो इनका हाउस रहता है, हाउस जो हाउस उसको बोलते हैं ये, जिसे हम लोग आंगन बोलते हैं ना, घर के आगे आंगन जो रहता है, तो इसको यहाँ पे हाउस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हाउस में जितना भी बड़ा का एरिया रहेगा ये हाउस, उसको क्लीन करना रहेगा डेली बाय डेली, उसको साफ करना रहेगा, ठीक है। यानी घर के आसपास का जितना एरिया रहेगा डेली इसको साफ करना रहेगा। तो ये है साफ सफाई के काम की पहले मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये सारा काम हाउस बॉय का ही होता है, ठीक है। तो ये पूरा साफ सफाई का काम जो है हाउस बॉय करेगा। दीवनिया रहती है, दीवनिया उसको बोलते हैं, जैसे हम लोग अपने वहां जो है कि हॉल बोलते हैं, वैसे ये लोग यहाँ पे दीवनिया बोलते हैं, ठीक है, दीवनिया बोलते हैं। वहां पे क्या है, ये लोग बैठ के चाय गावा पीते हैं, तो उस एरिया को भी जो है हाउस बॉय को पूरा क्लीन करके सेटअप करके रखना रहता है, ठीक है। जिस दिन दीवनिया रहती है उस दिन उसमें जो है चाय गावा पिलाना रहता है। मैं सिर्फ आप लोगों को पहले क्लीन करने वाला काम बता रहा हूँ, उसके बाद जो आगे का काम है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसको क्लीन करना रहता है, तो सारा क्लीन करना रहता है हाउस बॉय के। दीवनिया हो गया, पेड़ में पानी डालना, और जो मैंने बताया घर के आगे जो आंगन होता है जिसको पे हाउस बोलते हैं, उसको क्लीन करना, ठीक है। ये सारी चीज क्लीन करना होता है, ठीक है। क्लीन करने का काम जो है हाउस बॉय करता है। उसके बाद दूसरा काम जो रहता है कि जो मैंने बताया दीवनिया, तो दीवनिया में जिस दिन पार्टी रहती है, यानी कि जैसे मैं आप लोगों को पहले बताया कि हॉल में हम लोग का जो है पार्टी वार्टी रहता है, तो हॉल में होता है हम लोग बोलते हैं, उसी को यहां पे दीवनिया बोलते हैं। तो दीवनिया में जिस दिन पार्टी रहता है उस दिन जो है चाय गहवा, जो भी दोस्त आए रहेंगे इसके कफील के, जो भी जितने भी लोग आए रहेंगे उनको चाय गहवा पिलाना, और भी खाने पीने की बहुत सारी चीजें रहती है, उनको वहां तक पहुंचाना, सर्व करना, ये काम होता है हाउस बॉय का, ठीक है ना। तो ये इनको करना रहता है। फिर प्लस जो है कि बहुत सारा काम है यार, थोड़ा सा काम नहीं है हाउस बॉय का, बहुत सारा काम है। और जो है अगर थोड़ा ठंडी का मौसम रहता है तो जो है कोयला वोयला दगा के वो वहाँ पे रखते हैं, सब बाहर बैठते हैं, दीवनिया से थोड़ा सा बाहर बैठते हैं, वहाँ पे जो है आग का मजा लेते हैं, और जो है हुक्का उक्का जलाते हैं, शीशा हम लोग हुक्का बोलते हैं, यहाँ पे शीशा बोलते हैं, ये पीने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, तो शीशा उसका जो है इनको सेटअप करके देते हैं ये लोग पीने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये खाना वाना मंगाते हैं तो खाना वाना प्रिपेयर करता है, टेबल ओबल पे पूरा लगाता है, टेबल ओबल पे खाना सजाता है पूरा बढ़िया से, हर चीज का सिस्टम वही करता है। तो हाउस बॉय का ये काम है, ठीक है। और दूसरा काम हो गया जैसे कि मान लो कि अगर घर में कोई भी मतलब मैकेनिक, जैसे कि घर में कोई भी सामान बिगड़ गया है, जैसे एसी हो गया, और भी कोई इलेक्ट्रिशियन का काम कोई घर में आ गया है, या मतलब कि जैसा भी अगर कुछ भी घर में अंदर अगर बिगड़ गया है उसको बनवाना है, कोई आदमी आ रहा है, तो हाउस बॉय उसको रिसीव करेगा, घर के अंदर लेके जाएगा, सारा उसको दिखाएगा, काम करवाएगा। यानी ये जान लो कि टोटल घर के अंदर का जितना काम रहता है वो टोटल जो है हाउस बॉय का ही करना पड़ता है। मैं नौकरानी वाला काम नहीं बोल रहा हूँ, ठीक ना। जो घर के अंदर नौकरानी होती है वो अलग बात हो गई, ठीक है ना, उसकी बातें मैं बाद में बताऊंगा। बाकी ये जो मैं आप लोगों को मेन जो काम बता रहा हूँ वो हाउस बॉय का होता है। नौकरानी का काम अंदर आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं बाद में बता दूंगा।
तो हाउस बॉय का यही काम रहता है, ठीक है। और जो है जैसे कि मान लो कि कफील जो है उसका अगर किसी दिन कहीं और भी पार्टी कर रहा है, जैसे घर से बाहर अगर पार्टी कर रहा है, तो हो सकता है वहां पे भी उसको लेके जाए, ठीक है, वहां पे सेटअप वोटअप करने के लिए, चाय गावा पिलाने के लिए। यानी हाउस बॉय का टोटल काम यही रहता है। तो आप लोग को समझ में आ गई होगी गाइस कि हाउस बॉय का काम क्या होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हाउस बॉय की सैलरी कितनी होती है, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी कितनी होती है हाउस बॉय की। तो जैसे अगर कोई नया, अगर मेरा भाई कोई हाउस बॉय में काम करने आना चाहता है, तो उसकी जो है मिनिमम सैलरी जो है 80 KD, 90 KD और लास्ट जो रहेगी 100 KD, इतना ही जो है नए को मिल सकती है, ठीक है। अगर आप पहली बार कुवैत में आ रहे हो तो आपको जो है हाउस बॉय में सिर्फ 80 से 90, लास्ट 100, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप हाउस बॉय का काम किए हो पहले सऊदी में या मतलब और भी कहीं, या कुवैत में कहीं भी काम किया हाउस बॉय का, और आपको थोड़ा नॉलेज है हाउस बॉय का काम का, और जो है आपको अरबी अरबी भी बोलना आता है, तो फिर अगर आप आओगे तो फिर आपकी सैलरी ज्यादा हो सकती है, 110, 115, 120 ऐसे हो सकती है। लेकिन नए लोगों की जो सैलरी है वो सिर्फ और सिर्फ 80 से 90 और 90 से 100। 100 बहुत कम लोगों को मिलती है, ज्यादातर 80 और 90 में ही रहते हैं। तो सैलरी बहुत कम है, काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो सैलरी बहुत कम है, लेकिन उनके लिए अच्छा है। देखो, मैं आप लोगों को बताता हूं कि हर एक जॉब का जो है एक प्लस पॉइंट और एक जो है माइनस पॉइंट रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई इंडिया में भाई बहुत गरीब, क्योंकि भाई गरीबी यहां पे आते हैं, अमीर लोग थोड़ी आते हैं, लेकिन किसी की बहुत ज्यादा अगर हालत खराब है और जो है उसको और भी कोई काम नहीं मालूम है, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो अगर वो ये काम में आ जाएगा तो कम से कम इंडिया का 20,000-15,000 जो है घर भेज सकता है, तो उनके लिए ये बहुत बेहतर है। लेकिन अगर किसी को अच्छा खासा सब कुछ, कोई अच्छा हुनर भी मालूम है, तो उनके लिए ये काम बेकार है, वो अपने अच्छे काम में आएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को गाइस समझ में आ गई होगी कि हाउस बॉय का क्या काम होता है, उसकी सैलरी कितनी होती है, हाउस बॉय किसको कहते हैं। तो सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को दे दिया है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।